आइए देखते हैं कि जो आइटम्स अमेज़न पे रिटर्नेबल नहीं हैं उनको रिटर्न कैसे करा जाए। तो नॉर्मली आप जब शुरू करते हैं तो वो आप रिटर्न करना चाहते हैं तो आप मेन्यू में जाते हैं और मेन्यू में आप ऑर्डर्स में जाएंगे नॉर्मल जब आप कर रहे हैं तो ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे और फिर आइटम सेलेक्ट करेंगे जो रिटर्न करना चाहते हैं। ये वो तब है जब आप नॉर्मल केस में जो रिटर्नेबल आइटम है उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो अब ये रिटर्न एंड रिप्लेस पे रिटर्न क्लिक करेंगे तो इसमें आ गया कि ये आइटम रिटर्नेबल नहीं है, इसमें ये मैसेज आ गया कि आइटम ये रिटर्नेबल नहीं है। तो अब हम क्या करें, अब हमें देखना है ऑल्टरनेटिव क्या है हमारे पास, कि दूसरा तरीका क्या है। आप मेन्यू में वापस जाएंगे, अब आपका ये तरीका फॉलो करना है आपने जो रिटर्नेबल आइटम नहीं है उसके लिए। आइटम ये मेन्यू में जाइए और नीचे ऑर्डर्स में जाने की जगह नीचे स्क्रॉल कीजिए और कस्टमर सर्विस में, मतलब थोड़ा नीचे बिल्कुल बॉटम पे मेन्यू में कस्टमर सर्विस है, कस्टमर सर्विस में जाइए और कस्टमर सर्विस पे क्लिक करिए और वो अब ये आ जाएगा स्क्रीन आपका। अब यहाँ पे बिल्कुल नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कॉन्टैक्ट अस में आप आ जाएगा, कॉन्टैक्ट अस पे आप क्लिक कर दीजिए एंड उसके बाद ये वाला स्क्रीन आ जाएगा। इसमें इसमें ये कह रहा है कि ये हैव अस कॉल यू का मतलब है कि वो आपको कॉल करेंगे, आप अपना नंबर डालेंगे। अब आप हैव अस कॉल यू पे क्लिक करा और ये आ गया। अब हमने सेलेक्ट कर लिया कि हम क्या, हम कौन से आइटम की बात कर रहे हैं, तो हम ये ग्लव्स वापस करना चाह रहे हैं। तो अब ये नेक्स्ट स्क्रीन में हम ये कर सकते हैं कैंसल और रिटर्न एन आइटम करना है हमको, और हमें ये रिटर्न करना चाह रहे हैं ना क्योंकि ग्लव्स ठीक नहीं आए थे, तो या तो हम डिफेक्टिव आया है कुछ तो हम ये क्लिक कर देंगे, या अगर डिफेक्टिव नहीं है तो दूसरी ऑप्शन ये है कि उसमें कुछ मिसिंग है तो हम उस पर क्लिक कर देंगे। तो अब ये नीचे बिल्कुल बॉटम के ऊपर ये है कंटिन्यू टू कस्टमर सर्विस, इसमें अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्क्रीन पे आएंगे और वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। अब आप यहाँ पे फ़ोटो खींच सकते हैं और आइटम की, और वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो हम, मैंने वैसे ही कुछ भी ऐसे ही ब्लैंक खींच के डाल दिया डेमो के लिए। और उसके बाद में नीचे आप अपना टेलीफोन नंबर देंगे और जिस नंबर पे आप कॉल करवाना चाहते हैं, जिस नंबर से ऑर्डर किया था, बेटर यही है कि उस पे ही आप करिए और कॉल मी नाउ। अब वो आपको अमेज़ॉन से आपको कॉल आएगी, अब आप वेट कीजिए एंड अमेज़ॉन से आपको कॉल आएगी। अब ये कह रहा है कि जब आपका फ़ोन रिंग करे तो उसको आप आंसर कीजिए, वेट करिए फ़ोन आएगा और उसको आप आंसर कीजिए। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो थम्स अप दे दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।